गुड मॉर्निंग माय डियर एवरीवन। टॉपिक दिस सॉल्यूशन न्यूमेरिकल ऑफ सॉल्यूशन। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये पार्ट में है, प्रश्न की एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। ये पेज नंबर 38 पर मैंने उस पर लिख दिया है, ध्यान से सुनेंगे। 20% द्रव्यमान द्रव्यमान भार भार के अंतर्गत पोटेशियम आयोडाइड का जलीय सॉल्यूशन बनाया गया। उस जलीय सॉल्यूशन अर्थात पोटेशियम आयोडाइड का डेंसिटी घनत्व 1.202 ग्राम प्रति एमएल है, तो बना हुआ जो विलयन है पोटेशियम आयोडाइड, उस विलयन की मोललता स्मॉल एल, मोलरता कैपिटल एल और मोल प्रभाज एक्स की गणना करना है। अब मोल प्रभाज देखते हैं। मोल प्रभाज विलयन जो होता है विलयन और विलायक के मिश्रण से बनता है, तो मोल प्रभाज में जब गणना की करनी होती है तो दोनों के वैल्यू की गणना कर लेते हैं, अर्थात मोल की गणना कर लेते हैं विलय पदार्थ। तो इसको सॉल्व करने के लिए तीन कॉलम बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों कॉलम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत अच्छे से है। पहला क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट का अर्थ होता है बेटा विलेय पदार्थ। और दूसरा कॉलम में क्या लिखना है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अर्थ क्या होता है बेटा, विलायक। और तीसरा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है बेटा, विलयन। तो ये जो सॉल्यूट है वो विलेय पदार्थ है, सूक्ष्म मात्रा है, स्मॉलर पार्ट होता है। ये जो सॉल्वेंट है ये विलायक है, इनकी वाटर है, इसमें कौन है, वाटर है, जल है। और जो सॉल्यूशन बना हुआ है, इस सॉल्यूशन में इस पात्र के अंदर जो सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट पदार्थ था वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया और यह सॉल्यूबल हो गया, तो ये सॉल्यूशन बन के प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं इस सॉल्यूट में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूट का काम कर रहे हैं 20% भार वाला। जब भी परसेंटेज आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, जब भी परसेंटेज आता है तो विलयन का भार सदैव 100 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है, 100 ग्राम विलयन का भार है। तो ये विलयन का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितने ग्राम है, 100 ग्राम। तो डेंसिटी इसमें दी गई है, घनत्व बराबर द्रव्यमान यानी भार बटे आयतन। तो डी इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी दी गई बेटा, इसको देखते हैं क्योंकि हमें डेंसिटी की वैल्यू दी गई है और हमें वी ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 1.202। तो ये जो मात्रक होता है इसका ग्राम है, इसका मात्रक ग्राम प्रति एमएल है, ये ग्राम ग्राम से क्लिक हो जाएगा। इसके बाद जो आयतन निकलेगा उसका मात्रक क्या होगा, एमएल। आयतन कैलकुलेशन करने पर जो आपका प्राप्त होता है 0.083 एमएल। इसके प्राप्त सॉल्यूट को देखते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना, 20% है, तो ये 20 ग्राम हो जाएगा। अब पोटेशियम आयोडाइड का जो मॉलिकुलर वेट होता है स्मॉल एम की आई, पोटेशियम का भार कितना होता है बेटा, 39, और आयोडीन का कितना होता है बेटा, 127। तो इसको ऐड करते हैं, 9 + 7 इक्वल टू 6, 2 और 3 5 6, 166 ग्राम ये मॉलिकुलर वेट हमें प्राप्त हो गया सॉल्यूट का। मोल स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू अपॉन मोलर मास, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 20, मोलर मास कितना है 166। कैलकुलेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 10/83। तो ये सॉल्यूट अर्थात एनए की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी। यहां जो आयतन हमें प्राप्त हो चुका है, अब सॉल्वेंट की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। जो आयतन प्राप्त हुआ ये लीटर में हुआ, क्योंकि जो मिलीलीटर में वैल्यू प्राप्त होती है उसमें हमें 1000 का भाग दे देते हैं, तो हमें ये चीज लीटर में प्राप्त हो जाती है। अब सॉल्वेंट को देखते हैं, जब विलयन का भार 100 ग्राम है और विलेय पदार्थ का भार 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट
W कैपिटल W कितना हो जाएगा सॉल्वेंट 100 माइनस 20, तो जो W सॉल्वेंट है वो कितना हो जाएगा 80 ग्राम। ग्राम से जब भी किलोग्राम में बदलना होता है तो 1000 में 1000 का भाग दे दिया जाता है, तो इतना मान 0 से 0 क्लिक 8/100 ये केजी में वैल्यू सॉल्वेंट की हमें प्राप्त हो जाती है। हमारे पास तीनों टर्म्स प्राप्त है, सॉल्यूट का मोल, सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में और सॉल्यूशन का आयतन लीटर में प्राप्त हो जाता है। अब हमें तीन टर्म्स ज्ञात करने होते हैं, मोलरता और मोल प्रभाज की गणना करनी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोलरता को कैसे ज्ञात करते हैं। फर्स्ट टर्म में आते हैं हम मोलरता को ज्ञात करना, तो मोलरता स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी फॉर्मूला होता है स्मॉल एन विलायक की मात्रा केजी में, तो स्मॉल एन का मान जो एरे है सॉल्यूट ये निकाल के रख लीजिए हमने 10/83 विलायक की मात्रा केजी में, ये रख लिया 8/100 तो कितना हो जाएगा 10 × 100 83 × 3 कैलकुलेशन करेंगे आपका जो भी आ जाएगा वो मात्रा होगा मोल, क्योंकि एन क्या होता है मोल और ये प्रति केजी, कैलकुलेशन करने के उपरांत जो भी मान आएगा उसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति केजी। तो दूसरा बिंदु देखते हैं, दूसरा क्या है मोलरता, ये कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए मोलरता में किसकी आवश्यकता होती है वो उसको भी देखते हैं। मोलरता कैपिटल एस एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूला होता है स्मॉल एन अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है 10/83 विलयन का आयतन लीटर में कितना है ये लीटर में 0.083 कैलकुलेशन कर लेंगे आपका मान आ जाएगा और मात्रक होगा एन का मात्रक क्या होता है मोल, आयतन लीटर में है तो ये लीटर, कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट अप कर दिया जाएगा। और आखिरी और अंतिम पॉइंट ये है कि हमें मोल प्रभाज की गणना करनी है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है एक्स इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, सदैव विलयन प्रभाज का मोल प्रभाज निकालते हैं, विलयन के अंतर्गत जो दिया जाता है विलयन का मोल प्रभाज पूछा जाता है, तो ऐसे और एक्स बी दोनों की वैल्यू निकालकर दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है एक्स इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी, ये पूरा इसके इक्वल टू कितना होता है 1, तो एक्स ए का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, इसके बाद एक्स बी का मान एक में से हम उसको घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एन ए का मान कितना है ये हमने निकाला था 10/83 अपॉन 10/83 प्लस एन बी को देखते हैं, एन बी को देखने के लिए क्या है सॉल्वेंट अपने यहां क्या है जल, विलायक की मात्रा कितनी थी 80 ग्राम सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन पूरा 100 था 20 ग्राम घटाया था तो 80/18 इसको आप सॉल्व कर लेंगे आपका मोल फ्रैक्शन ज्ञात हो जाएगा। इट्स ओके।